आज का विषय है मौन और चुप्पी का भेद। विषय बहुत छोटा है, बाकी विषयों के अनुपात में हो सकता है जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन बड़ा गहरा है। जैसे कहा जाता है कि जो चीज जितनी गहरी होती है आवश्यक नहीं कि वो उतनी विस्तृत भी हो, गहराई नीचे की ओर जाती है। उसी प्रकार ये विषय है मौन और चुप्पी का भेद। देखने सुनने में तो मौन और चुप्पी एक ही चीज है, अंतर क्या है? जब मुख से शब्द नहीं निकलते तो मौन कहो या चुप्पी, बात एक ही है, फर्क क्या है? लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, और वो फर्क यह है कि जब हम मौन की अवस्था में होते हैं तो सोच समझ कर जानते और बूझते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। इसलिए विराम देते हैं क्योंकि हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं, भीतर की यात्रा करना चाहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि मौन के बाद सबसे पहला कार्य जो आरंभ होता है वो है अनुभव। जब हम कभी मौन की अवस्था में जाएं, बहुत से लोगों को तो मौन का अभ्यास नहीं होता, क्योंकि चुप रहना भी बहुत सारे स्थानों पर एक रोग की निशानी माना जाता है। चुप चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं, गुमसुम क्यों है? चुप होने को गुमसुम से जोड़ दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि मौन से ही भीतर की यात्रा का पहला कदम उठता है। मौन द्वार खोलता है भीतर के अनुभव के लिए। मनुष्य जब मौन को प्राप्त होता है तो सबसे पहले वो अपने आप को भीतर अनुभव करना शुरू करता है। दुनिया को आंखें खोल करके देखने का जो बहुत पुराना प्राचीन अभ्यास उसे हो चुका होता है उसकी आयु काल में, उस प्राचीन अभ्यास में एक पहला दुस्साहस होता है मौन। सोच समझ कर अपने होठों पर एक अंकुश स्थापित करता है ताकि भीतर स्वयं को अनुभव तो कर सकूं कि मेरे भीतर क्या कुछ चल रहा है, इसे मौन कहा है। और भीतर के अनुभव से मनुष्य को बोध प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है अपने ही विषय में। कभी भी आप मौन की प्रक्रिया को ईमानदारी से अगर स्थापित करें तो कुछ दिनों में अनुभव के बाद एक बोध होना शुरू होता है, अपने ही विषय में बोध होता है। अपनी बहुत सी बातें स्वयं को ज्ञात होना शुरू होती हैं, जो पहले नहीं थी। नहीं, पहले नहीं थी, पहले हम रंगे हुए थे बायस के साथ, कई प्रकार के बायस, बड़ी ईगो के साथ। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हमने हजार वकीलों का पैनल बिठा रखा था, और मौन सबसे पहले उन भीतर बैठे हुए वकीलों को विदा देता है कि अब मुझे अपने आप से रूबरू होने दो। मौन में व्यक्ति बिना किसी बायस के अपने आप को टटोलना शुरू करता है, अपने भीतर की समस्त न्यूनताओं को अनुभव करता है, देखना शुरू करता है, अपने लिए तर्क उपस्थित नहीं करता। और ज्यों ज्यों बोध बढ़ता जाता है, सूत्र कहता है कि मौन से अनुभव, अनुभव से बोध, और बोध से जागरण। जागरण माने क्या? जागरण बड़ा सादा सा शब्द है। जागरण माने सामने आती हुई किसी भी परिस्थिति के साथ बड़ी सम्यक मानसिकता के अनुसार आचरण करना, इसे मौन कहा गया है। साधक का सबसे पहला सूत्र है, आधारभूत स्तंभ है मौन। अगर व्यक्ति साधना करना चाहता है, अध्यात्म जगत में प्रवेश करना चाहता है, तो पहले मौन की स्थापना उसे करनी होगी। और मौन का अभिप्राय है ना केवल इस लपलपाती जीव को हर प्रकार का अंकुश दे देना,
जो हर घड़ी कुछ न कुछ कैंची की तरह कुतरना चाहती है, बल्कि भीतर की कैंची को भी शांत करना। एक कैंची भीतर भी है, तर्क की, वितर्क की, विचारों की कैंची, हर क्षण कुछ चाहती है। मौन दोनों स्थानों पर एक साथ स्थापित होने की ही प्रक्रिया का नाम है। मुख से मैं चुप हूं लेकिन भीतर बहुत मेरे जमाल चल रहा है, ये मौन नहीं है। आप चुप हैं, मौन नहीं है। मौन आप तब हैं जब आप होठों से भी चुप हैं और मन के स्तर पर भी, विचारों पर भी आपने अपने आप को चुप कराया है। तभी द्वार खुलते हैं धीरे धीरे अपने आप को समझ पाने के। 100 में से 99 लोग आंख बंद करके चुपचाप बैठने को इस पृथ्वी का सबसे बड़ा बेकार का निठल्ला काम मानते हैं, अकर्मण्यता मानते हैं। ये सोचते हैं कि मनुष्य जब बिल्कुल बेकार का बन जाता है तो कुछ नहीं करता, वो चुप होकर के बैठता है, बेकार बैठा है। जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन में अगर प्रगति बहुत अधिक गति से करनी हो, क्योंकि सृजन के अंतर्गत हम कोई भी विषय ऐसा नहीं लेते जो उत्पादकता से सीधा नहीं जुड़ा हुआ। जिस किसी को भी अपने जीवन में द्रुत गति से प्रगति चाहिए, अपने विषय पर ऊर्जा उत्साह चाहिए, अपने भीतर जीवट का निर्माण करना है, भीतर बल अर्जन करना है, उसे मौन सीखना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। उसे यह तथा कथित कहलाने वाला निठल्लापन ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मौन के बिना अनुभव नहीं, अनुभव के बिना बोध नहीं, बोध के बिना जागरण नहीं। चाहे आप किसी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हों, आप किसी दुकान के किसी व्यवसाय से ही क्यों ना जुड़े हों, यू हैव बीन प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग एवरी नाउ एंड देन प्लानिंग। और प्लानिंग का आधार क्या है? जो सूचनाएं हमें सामान्यतः प्राप्त होती हैं, जिस रंग से हमारी बुद्धि रंगी होती है, उसी बुद्धि से 100 बार करो या 1000 बार करो, प्लानिंग वही की वही रहेगी। अगर चाहते हो लकीर से हट के सोचना, अगर चाहते हो कि कुछ नवीन खिड़कियां खुलें, कोई नई विचारधारा रचनात्मकता की भीतर अवतरित हो, तो मौन आवश्यक है, क्योंकि मौन रंगे हुए तुम्हारे तुम को तुम्हारे मार्ग से हटाता है। मौन कपाट खोलता है, भीतर अवस्थित प्रचलित बुद्धि को कहता है शांत, कुछ अनुभव करने दो, लेट मी फाइंड समथिंग न्यू इन टू मी। और मनुष्य के भीतर जितनी नवीनता है उतनी कहीं अन्यत्र हो नहीं सकती। वाई? क्योंकि ईश्वरीय अंश है, नेति नेति है, बहुत कुछ है इसके भीतर। एक दिन अनुभव करना शुरू करता है तो बहुत कुछ आता है। सृजन अभियान के अंतर्गत 10 सालों में 300 से अधिक पासच हमने की होंगी, ज्यादा हुई होंगी, ज्यादा। लेकिन इन 300 से अधिक पासच में संभवतः कभी सब्जेक्ट रिपीट नहीं हुए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हर विषय मौन से लाया जाता है, मात्र सामान्य बुद्धि से नहीं। बुद्धि तो बहुत प्रकार से आसपास से भी रंगी होती है, लेकिन जब मौन भीतर जाता है तो वो कहीं से एक नवीन रचना को खोज के लाना चाहता है, प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हुए किसी नए दृष्टिकोण का अवतरित करने के लिए स्वयं को बाध्य करता है। क्योंकि मौन से अनुभव, अनुभव से बोध, बोध माने डीप अंडरस्टैंडिंग। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग, बट वी डोंट वॉन्ट टू एक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग। और डीपर अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब अंदर और बाहर का मौन स्थापित किया जाए। मौन निठल्ली प्रक्रिया नहीं है, मौन साधना है। हाँ, एक दिन में सदती नहीं है, जो कोई और कुछ ना कर सके उसे मौन की साधना अवश्य करनी चाहिए। और मौन में मात्र अनुभव को जागृत करना होता है। ट्राई एंड एक्सपीरियंस योर ओन सेल्फ इनसाइड। इसे बेकार की क्रिया मानना ठीक उसी प्रकार है जैसे एक वैज्ञानिक को एक प्रयोगशाला में एक छोटी सी ट्यूब को हाथ में लेकर एक वर्ष तक देखते हुए प्रक्रम को हम कहें कि ये तो बेकार की बात है, ही इज अ स्टूपिड इडियट, कुछ नहीं करता है, लाखों रुपए इसने बेकार कर दिए, एक शीशे की ट्यूब पकड़ करके वर्षों से खड़ा है,
निठल्ला है, बेकार है, सीमित है, अंकुश है, अहिल्या हो गया है। ये ठीक उसी प्रकार है, क्योंकि वही अन्वेषण से, उसी स्थिरता से फिर एक नए उपलब्धि का ज्ञान होता है। उसी प्रकार मौन रहना कोई निठल्ली प्रक्रिया मान्यवर नहीं है। मौन से बहुत कुछ उपार्जित हो सकता है। जब कभी भी हम अपने आप को किसी डेड वॉल के सामने पाते हैं कि जीवन रुक रहा है, नवीनता आनी बंद हो गई है, मौन की शरण में चले जाइए, फिर से उत्सव आ जाएगा। क्योंकि मौन अनुभव को कहते हैं, द मोर यू एक्सपीरियंस योर सेल्फ द मोर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ द मोर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ द बेटर आर द लेवल्स ऑफ अवेकनिंग इनसाइड, जागरण होता है। इसी को मौन कहा गया है। इसी मौन को ऋषि धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक कोशिका तक अवतरित करते हैं, जहां शरीर और मन दोनों का विघटन शांत हो जाए। जब कभी नाद की साधना से पहले हम सहज श्वास की प्रक्रिया कराते हैं, वहां क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि शरीर के हर सेल में मौन स्थापित हो जाए। सिर्फ जिह्वा पर नहीं, खोपड़ी पर नहीं, हर कोशिका में, रोम कूपों में भी मौन स्थापित हो जाए। मौन में अनुभव जागृत होता है, अनुभव से बोध प्राप्त होता है, बोध से जागरण होता है। हां, मौन के लोकाचार की दृष्टि से भी बहुत से लाभ हैं। लोकाचार की दृष्टि से मेरे अपने जीवन का दशकों दशकों का अनुभव है, एक बार का नहीं, दशकों दशकों का। मैं सबसे पहले बात करनी शुरू कर दूं कि जब भी कभी मैं इसे विषय को लेता हूं, सबसे पहले मैं क्रोध को भी जस्टिफाई करता हूं। जीवन में क्रोध होना चाहिए, आवश्यक है। जो व्यक्ति क्रोध नहीं करना जानता, वो जीवन के साथ भी न्याय नहीं करता। लेकिन क्रोध उतना जितना आभूषण सौंदर्य को विकसित करने में सहयोग अर्पित करता है। अगर अपने आप को आभूषणों से ही लाद लेंगे तो आप दिखेंगे ही नहीं। तो आभूषण उतने जितने से आप निखर सकें, क्रोध उतना जितने से मर्म सद सके। इस बात को कह चुकने के बाद मैं पुनः वापस अपने विषय पर आता हूं, क्योंकि जुड़ा विषय था। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जहां कहीं भी शांत रहने की बात कही जाए, वहां क्या क्रोध अनजस्टिफाइड हो गया? क्या क्रोध को सदा के लिए त्याग देना चाहिए? इसलिए एक बीच में प्रिल्यूड लिया। मौन की अवस्था से दशकों दशकों का अनुभव है कि हजारों बिगड़ती परिस्थितियों को रोका जा सकता है। मौन दुर्बल व्यक्ति का काम नहीं है, दुर्बल लोगों के लिए खेल नहीं है, उनका कौशल नहीं है। मौन के लिए बहुत जीवट चाहिए। शक्तिशाली पुरुष, शक्तिशाली स्त्री मात्र मौन अनुभव कर सकती है, मौन का अनुपालन कर सकती है। निर्बल के बस का मौन नहीं है। जो कितना कमजोर है, कितना शक्तिशाली है, यह जांचना हो तो उस परिस्थिति में जांचो जब नहीं बोलने से बात टल सकती थी, लेकिन बोलते बोलते और बोलते चले गए। और जो बोलता बोलता और बोलता चला जाए, वो वास्तविकता में करुणा का पात्र है, क्योंकि वो बहुत कमजोर है, बांध नहीं पा रहा अपने आप को, लांगता जा रहा है, रिकरिंग अगेन एंड अगेन। तो कमजोरी के और शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक क्या है? जो मौन रख पाया, बहुत पराक्रमी है। गाड़ी ढलान पर हो और लुढ़कती जा रही हो तो वो तो स्वभाव है, प्रकृति है, लुढ़केगी। सबसे बड़ा पराक्रम होता है लुढ़कती हुई गाड़ी को रोक लेना, उसको अपनी शक्ति के प्रभाव से रोकने का प्रयास करना। परिस्थितियां भी लुढ़कती हुई गाड़ी होती हैं। जीवन में हजार स्थानों पर परिस्थिति रोज लुढ़कती है, वो तो लुढ़क रही है। देखना यह है कि हम रोक सकते हैं या लुढ़कते चले जाने दें। मेरा अनुभव बताता है कि हजारों हजारों परिस्थितियों को एक मौन ने बिगड़ने से रोक दिया। और अगर वो मौन ना रहा होता तो परिस्थितियां कई गुना बिगड़ जाती, और फिर ईगो के बायस बन जाते हैं, फिर ऐसे रंग रंगे जाते हैं जितने गहरे होते हैं। मनुष्य पहल करने को ही अपनी तौहीन मानता है, मैं क्यों? और जिसमें मौन का पराक्रम है, वो पहली बात तो बात को बिगड़ने नहीं देता, और बिगड़ भी जाए तो पहल करने से चूकता नहीं। चलो कम हो गया, सो हो गया ना, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया होगा, फालतू बोल लिया, अच्छा बोल लिया, मुझे बोल लिया ना यार, कोई बात, फिनिश, लेट्स स्टार्ट अगेन।
मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है कि जो जो लोग कभी मेरे सामने मौन की अवस्था में भी बोले होंगे, उनकी निर्बलता अपनी आत्मा से हमारा सम्मान करती है, आत्मा से, मन से नहीं। क्यों? कहीं वो समझ जाते हैं कि नहीं, कमजोर चुप रहना नहीं, कमजोरी तो बोलते चले जाने में होती है। सबसे सरल है, बहकते चले जाओ, बहकते चले जाओ। अंकुश में रहने के लिए शक्ति चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस मौन का अनुपालन यथा क्षमता, खासतौर पे बच्चे आजकल के, जहां तक संभव हो अपने जीवन में मौन की स्थापना करें। बच्चा मात्र 18 साल का ही नहीं है, 25 साल का ही नहीं है, आज 25 से 30 साल की आयु तक जाते हुए बच्चों के भीतर जो बहुत सारे मनमुटाव हैं, आप आश्चर्य करेंगी। लड़का मेरा वकील है, कंपनियों के मैटर्स आदि भी लेता है, उससे मैं जब भी पूछता हूँ कि आजकल कचहरी में, कोर्ट्स में, हाई कोर्ट आदि में किस तरह के मैटर सबसे ज़्यादा आते हैं, आप आश्चर्यचकित करोगे उसका जो उत्तर होता है। वो कहता है, पापा आज इस काल में सबसे ऊपर अगर संख्या है वो है मैट्रिमोनियल अफेयर्स की। मैट्रिमोनियल अफेयर्स ने इसमें सारे अफेयर्स को, प्रॉपर्टी अफेयर्स, टैक्सेशन मैटर्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस, हम लोग कहते हैं ना अखबारें रंगी हैं क्राइम के साथ, अखबारें जरूर क्राइम के साथ रंगी होंगी, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन के साथ, लेकिन कचहरियां, न्यायालय पटे हुए हैं मैट्रिमोनियल अफेयर्स के साथ। और वो सब लड़का और क्या बताता है, कहता है, पापा आप तो कहते हैं फलां तरह के मैटर लो, फलां तरह के लो, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अगर आज है तो मैट्रिमोनियल अफेयर्स में है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुचल डालने के लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार है। तीसरी बात वो ये बताता है कि आप कहते थे कि स्पेशलाइज्ड वकील एक ही प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट बनकर के मैटर्स लेते हैं, आश्चर्य यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हो कि क्रिमिनल लॉयर हो कि टैक्सेशन लॉयर हो, चाहे किसी तरह का लॉयर क्यों ना हो, मैट्रिमोनियल अफेयर सारे ले रहे हैं। और मैट्रिमोनियल अफेयर्स में जिस तरह के अफेयर्स वो लड़का मुझे सुनाता है कि किस तरह के मैटर आते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनके सैलरी पैकेजेस सुनकर के रश्क होता है, ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां जिनकी शैक्षिक योग्यता सुनकर के खुशी होती है, जिनकी प्लेसमेंट अपने अपने कैरियर में कहां हुई पड़ी है, शादी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, मोर्चा मार लिया 5 साल, किस बात के लिए बिगड़ रहे हैं? समहाउ मौन ऑब्जर्व नहीं हुआ। कारण कारण कुछ भी हो, कारण चाहे लड़की की मां हो या लड़के की मां हो, ज्यादातर यही सुनने में आता है क्योंकि एक दूसरे पर डाला जाता है। बट व्हाट इज द रूट कॉज? मौन का अनुपालन बड़ा कष्टकारक लगता है कि ये सामने, ये अच्छा लगता है कि एक घड़ी में वो सारे बाराती मूर्ख घोषित कर दिए जाएं जो कमबख्त हमारी बारात में जुटे थे, वो सारा खर्चा, सारा उत्सव, सब बेकार था, सब पागल थे। एक क्षण में एक मौन ना अनुपालन करने के कारण व्यक्ति कहता है अभी विच्छेद चाहिए, पैसा कितना भी लग जाए। ये विघटन बहुत कष्टकारक होता है। माँ बाप अलग होते हैं, एक संतान भी होती है। इमेजिन, इंडियन कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स आर ब्रीडिंग इनकम्प्लीट सिटीजन्स हु विल बी गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन। बड़े बड़े शहरों में एक अधूरे नागरिक का निर्माण हो रहा है, जहां शिक्षा के तो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं जुटी होंगी, लेकिन एक संपूर्ण पारिवारिक इकाई प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि माई मदर एंड फादर गॉट सेपरेटेड 10 years बिफोर। ये कोई बच्चा बोलेगा 5 years बिफोर, देन वट इज दी सिचुएशन, क्या होगा? इमेजिन, कारण मौन का अनुपालन ना करना। अच्छा होता IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद, IIM से MBA करने के बाद 4 महीने का प्रशिक्षण मौन का भी हो जाता। अगर 4 महीने का प्रशिक्षण मौन का हो जाता, मैं ये नहीं कहता हूं कि 4 महीने का किया जाता, आई एम सिंपली मेकिंग अ पॉइंट, तो होता क्या, कम से कम भीतर के विवाद तो समाप्त होते, विघटन समाप्त होते। जिस किसी के लिए भी आदमी कमाना चाहता है, आनंद चाहता है, वो संबंध तो कायम रह पाते।
भीतर उतनी ऊर्जा शक्ति तो उपार्जित होती। समाज में बहुत बड़े स्तर पर कानूनी रूप से अपराध हो रहा है और उस अपराध के